और हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता नीलेश चौहान के पास जो इस वक्त लखनऊ में है। नीलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय बंगाल दौरा शुरू हो गया। अब से कुछ देर में वो कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, जिसके बाद 2 दिन की अगर हम बात करें तो ताबड़तोड़ 8 रैलियां 8 जनसभाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वहां पर की जाएंगी। इससे पहले 2 चरणों का चुनाव बंगाल में संपन्न हो चुका है। उन दोनों चरणों से पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम जनसभाओं को वहां पर संबोधित किया था। 3रे चरण का मतदान है, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा बंगाल में रहेगा। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिन जगहों पर योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हैं, योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं उनके जीतने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं। अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी तक जिन प्रदेशों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाया है वहां पर प्रत्याशियों को जीत हासिल मिली है। उसके अलावा अगर हम बात करें तमिलनाडु की, केरल की, तो वहां पर भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां योगी आदित्यनाथ ने वहां पर की थी, जनता को संबोधित किया था। इस 2 दिवसीय दौरे की अगर हम बात करें तो 8 जनसभाओं को योगी आदित्यनाथ के द्वारा संबोधित किया जाएगा। उसके अलावा 2 रोड शो भी योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो। हम लगातार चर्चा कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल में होंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं उलुबेरिया पूर्व, यानी पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया पूर्व में इस वक्त रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए, काफी भीड़ है इस रोड शो में, मशक्कत करनी पड़ रही है गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन लगातार इशारा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को, क्योंकि 6 तारीख को जो मतदान होना है यानी 3रे चरण के मतदान के लिए आज से उनका रोड शो, यानी रोड शो और साथ ही जनसभा दोनों शुरू हो चुके हैं। यानी 2 दिवसीय दौरे में 8 जनसभा को संबोधित करेंगे और कई रोड शो भी करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये उलुबेरिया की तस्वीर है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं को हाथ यानी अभिनंदन करते हुए और जय श्री राम नारे के गूंज के साथ पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया पूर्व से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विक्ट्री का साइन दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। जनता की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई दिख रही है क्योंकि उत्साह एक अलग ही लेवल पर इनका दिख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर बात करें, इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं और हर जगह इस तरीके की कुछ तस्वीरें रहती हैं जहाँ जनता की भारी संख्या देखी जाती है। भारी भीड़ यहाँ पर आपको इस वक्त पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया पूर्व से दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँचे हुए और जीत का परचम लहराने के लिए 8 रैलियां संबोधित करेंगे, ताबड़तोड़ ये रैलियां संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय ये दौरा है, बेहद अहम माना जा रहा है फिलहाल ये आपको। और ये हावड़ा की तस्वीर है, पश्चिम बंगाल के हावड़ा की गलियों से होते हुए भारी भीड़, और इस भीड़ में सभा को यानी कि रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबको अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ते हुए विक्ट्री साइन दिखाते हुए और कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए धीरे धीरे सब लोग बढ़ रहे हैं और छतों से ऊपर से मुख्यमंत्री को सब इशारा कर रहे हैं। यानी ये जो बंगाल का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव की अगर बात कर ली जाए, तो इस वक्त पूरी ताकत झोंक दी गई है बीजेपी के तरफ से। सभी जो दिग्गज नेता है वो वहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का जो प्रभाव है वो काफ़ी बड़ा है वहाँ पर, और यही वजह है कि हर चरण के चुनाव के लिए अधिक से अधिक सभाएँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां पर लगाई जाती है। और आज से 2 दिवसीय दौरे के मद्देनज़र वहां पर लगभग 8 सभाएं हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि हावड़ा में यानी रोड शो उनका शुरू हो चुका है। लगातार जय श्री राम नारे के उद्घोष लगाए जा रहे हैं और धीरे धीरे कार्यकर्ता यानी कि अपने समर्थकों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर उमड़े हैं और बस एक नारे से, एक गूंज से पूरे इलाके एक शोर में तब्दील हो जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक ऐसा शोर जो सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ भगवा ही भगवा नजर आ रहा है, यानी कि बीजेपी के झंडे, बीजेपी के नारे, कमल छाप जिंदाबाद और जय श्री राम की बातें कही जा रही है। और हावड़ा की ये तस्वीर है, हावड़ा में इस वक्त योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फूलों की बारिश करते हुए यानी कि पुष्प भी बरसाए जा रहे हैं छतों से ऊपर से, यानी ऊपर जिस मोहल्ले से, जिस गलियों से
गुजर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो हम तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, वहाँ लगातार जो लोग हैं वो पुष्प बारिश भी कर रहे हैं, फूलों की बारिश। उन सभी क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ की सभाओं को संबोधित करेंगे, जहाँ पर तीसरे चरण में अधिक से अधिक प्रत्याशी जो मैदान में हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, 6 तारीख को तीसरा चरण का चुनाव होना है, और इससे पहले पूरी ताकत यानी कि 2 दिन जो पूरी ताकत के साथ वहां पर जोर आजमाइश होगी, और इसी जोर आजमाइश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर सबसे ज़्यादा सभा करने वाले यानी 8 सभाओं को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर हावड़ा से, जहां पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हजारों की भीड़ है। तस्वीरों में आप देखिए, एयरपोर्ट के बाद से उनका जो आगमन हुआ है, एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे उसके बाद से लगातार। तो एक बार पिछले चुनाव प्रचार पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में फिर से हावड़ा में ये जो चुनावी रोड शो दिख रहा है, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में भारी उत्साह है। और इसके अलावा हम बात कर लेते पिछले चुनाव प्रचार को लेकर, फिर चाहे वो असम का दौरा रहा हो, फिर चाहे अगर हम पिछले अन्य राज्यों के चुनाव के बारे में बात कर ले जहां जीत हासिल हुई है, फिर चाहे वो बिहार के जीत का परचम लहराया गया हो, हर जगह सीएम योगी आदित्यनाथ का जब नाम जाता है तो लोगों में एक उत्साह दिख जाता है। और साथ ही जब उस राज्य में सीएम योगी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते तो वोटों की संख्या खुद ब खुद बढ़ने लग जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के लकी चार्म है सीएम योगी आदित्यनाथ, और अगर चुनाव प्रचारक का नाम लेना होता है तो सबसे पहला नाम सीएम योगी आदित्यनाथ का होता है। और यही कारण है कि अभी ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ यूपी के कमान संभाल रहे हैं, न सिर्फ यूपी में विकास कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भली भांति प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारी भीड़ दिख रही है, और जो जनता है सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए वहाँ पर खड़ी हुई है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर दिख रहे हैं बीजेपी के, और भगवा ध्वज यहाँ पर दिख रहा है, और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी धीरे धीरे सही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस रोड शो में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और एक भीड़ से जो आवाज आ रही है वो पूरे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को जय श्री राम के नारे में यानी कि वातावरण में तब्दील हो जा रहा है। और ये तस्वीर रोड शो की तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे बंगाल तो सबसे पहला जो उनका कार्यक्रम है रोड शो का, और फिर यहां से शुरुआत होगी। रोड शो के बाद से सभाओं का दौर शुरू होगा, और आज और कल मिलाकर 8 सभाओं को वो संबोधित करेंगे। बसों में लोग हैं, सड़कों पर लोग हैं, स्थिति ये हो गई है कि कोई भी अपने पैर को नहीं उठा पा रहे हैं, यानी भीड़ इतनी ज़्यादा है। हावड़ा की तस्वीर है, हावड़ा में रोड शो किया जा रहा है। हालांकि कोरोना का समय है और देशभर में कोरोना को लेकर लोगों में भय भी है, लोग खौफजदा हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर बंगाल चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो बंगाल चुनाव में लोगों के चेहरे पर एक उत्साह है, किसी प्रकार का भय नज़र नहीं आता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उत्साह है। और ये उत्साह क्या परिवर्तन कर पाएगा, क्या परिवर्तन में तब्दील, क्योंकि जिस तरीके से एरी चोटी का जोर लगाया गया है और वहाँ जो सत्ता पक्ष है, खासकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए, ममता बनर्जी, उन्होंने भी वो पूरी ताकत झोंकी हुई है, तो सीधे सीधे जो टक्कर है वहाँ पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी में। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रोड शो को संबोधित करते हुए, और लोग जय श्री राम नारे के साथ अपने दिशा की ओर बढ़ते हुए, यानी कि जो तय किया गया है रोड शो का जो गाइडलाइंस है या फिर जो गंतव्य स्थान है वहां तक धीरे धीरे निकल रही है भीड़। मुख्यमंत्री उत्साहित होते हुए लोगों को विक्ट्री साइन दिखाते हुए, अभिनंदन करते हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए और जय श्री राम को घोष के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। और इस बीच आप देखिए, क्योंकि हावड़ा की अगर बात कर ली जाए
हावड़ा में जो सबसे खास है वो हावड़ा ब्रिज है। हालांकि वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली इलाका भी माना जाता है और यही वजह है कि जो गाड़ियां जहां लगी है वहीं खड़ी है, बिल्कुल, क्योंकि वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर्यटकों की दृष्टि से बात की जाए, जगह जो है वो बहुत छोटी, यानी कि सड़कें बहुत छोटी होती है, यानी जो चौड़ी कम होती है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा की ये तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। रोड शो में जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का उत्साह इन लोगों में कितना ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम इन लोगों की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ खासतौर पर अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए पहुंचे हुए और 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। खासतौर पर हम बात करें अगर आज के दिन की, तो ये दिन बेहद अहम, क्योंकि ये 2 दिवसीय दौरा काफ़ी खास माना जा रहा है। और खास तौर पर ये जो रोड शो है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और हर तरीके से कोशिश यही कि जनता से हर प्रचार में संवाद करने की कोशिश की गई है। और ये तस्वीरें भी साफ नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से जनता में जो सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि है वो प्रसिद्ध है। चुनाव प्रचार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का जब नाम सामने आता है तो जनता में भी एक अलग सा उत्साह देखने को मिलता है। ना सिर्फ उत्साह बल्कि खास एक तस्वीर नजर आती है। उस तस्वीर को लेकर अगर हम बात करें तो वो तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक तस्वीर में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर में जनता नजर आ रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि जनता इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, भारी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हुए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि कितनी महत्वपूर्ण है लोगों की। तो ये तस्वीर हावड़ा से, एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए योगी आदित्यनाथ रोड शो के दौरान विक्ट्री साइन दिखाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। धूप भी तेज है लेकिन कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है, उत्साह है, जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर एक भारी उत्साह लोगों में और बीजेपी पूरे तरीके से इस वक्त जो हावड़ा की अगर बात कर ली जाए, जो वहाँ से तस्वीर सामने आ रही है, वो उत्साह के साथ भगवा रंग में रंगे और झंडा बैनर पोस्टर्स लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी संख्या में समर्थक वहां पहुंचे हुए हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं रोड शो में, और धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की गाड़ी सबसे पीछे है और वो लोगों को अभिनंदन करते हुए व्यक्ति साइन दिखाते हुए मोहल्ले में घरों के छत पर जो लोग वहां पर खड़े हैं नज़ारे को देखने के लिए, उन सबको अभिवादन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और बीजेपी के नेता जो उनके साथ लगातार गाड़ी पर मौजूद हैं, वो लोगों में जोश भरने के लिए जय श्री राम के नारे लगाते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं और पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ रोड शो करते हुए, रोड शो के बाद जनसभा का दौर शुरू होगा, 8 सभाओं को संबोधित करेंगे 2 दिनों में। और आज उन जगहों पर सभाओं को संबोधित करेंगे जहाँ पर 6 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होने वाला है और रोड शो में भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है, भारी भीड़। इस भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों में जो उत्साह है, किस तरीके का इस वक्त वहां पर उत्साह है। और ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है वो हावड़ा में किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है ही, लेकिन धीरे धीरे कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं नारों के साथ। तो पश्चिम बंगाल की सियासी तपेश और ज़्यादा बढ़ गई है अब ये रोड शो के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बाद पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरते हैं तो साफ सी बात है कि सामने जो जनता होती है तो उन्हें सुनने के लिए उत्साह अलग ही नज़र आता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतार कर भाजपा नेतृत्व में पश्चिम बंगाल को लेकर अपनी आक्रामक रणनीति साफ कर दी भाजपा ने। तो ऐसे में काफ़ी समय से बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ रैलियों को कर रहे हैं, तो ऐसे में रैली कराने की मांग भी की जाती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को भी उन रैलियों की
कमान दी जाए। तो पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय के लोगों पर प्रभाव देखते हुए भाजपा नेतृत्व ने चुनाव की घोषणा के साथ ही योगी को प्रचार के मैदान में उतार दिया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम स्टार प्रचारक के रूप में सामने आता है। और पिछले रैलियों में पश्चिम बंगाल की जहां तक बात कर ली जाए, चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कुछ बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण कही है योगी आदित्यनाथ ने, और वो सबसे अहम ये है कि जब भी वो पहुंचते हैं तो परिवर्तन यात्रा में ज़रूर शामिल होते हैं, और आप इस रोड शो को परिवर्तन यात्रा भी मान लें। वहीं दूसरी बात जो सबसे अहम उन्होंने घोषणा की है कि 24 घंटे के अंदर अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वहाँ पर गो हत्या को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। वहीं जो अपराधी, जिस तरीके से अपराधियों का बोलबाला है, ये हम नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने सभा में कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से टीएमसी के गुंडे घूम रहे हैं, वो मात्र 2 महीने के भीतर गले में तलखी लटका के जान की भीख मांगते हुए नजर आएंगे। सिर्फ आप हमारी सरकार बनाइए, ये जनता की सरकार होगी। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी में घमासान जारी है, और इसी घमासान के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हावड़ा में एक भारी जनसभा के साथ, यानी कि जन सैलाब के साथ रोड शो कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खूबसूरत तस्वीर जो हावड़ा से है, और लोगों की लंबी यानी कि लाइनें, यानी लाइन आप नहीं कह सकते हैं, मतलब जो भीड़ है वो काफ़ी आधे किलोमीटर से ज़्यादा में लोग जमा हैं और लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी लंबी लाइन, मतलब कई किलोमीटर तक गाड़ियां लगी हुई है, और गंतव्य स्थान की तरफ यानी कि जो एक फिक्स जो जहाँ पर जनसभा को संबोधित करना है, उस सभा की तरफ, सभा स्थान की ओर बढ़ते हुए, लेकिन लोगों को पहले इस रोड शो के दौरान लोगों को ये कहते हुए कि इस बार परिवर्तन को लेकर आपके बीच बीजेपी पहुंची है। आप इसे मान सकते हैं कि लोकसभा के बाद से ही 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था और बीजेपी को अपार सफलता मिली थी पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से ही लगातार विधानसभा को फोकस किया गया, और हमेशा से बीजेपी जो वहां पर बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाती थी विधानसभा में, लेकिन 5 साल के अंदर ही अपने मुख्य एजेंडे के साथ कार्यकर्ताओं में इस तरीके से बढ़ोतरी हुई कि इस वक्त मुख्य जो लड़ाई है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच है, और पूरी ताकत, प्रधानमंत्री भी एक के बाद एक रैली कर रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ, यानी कि तीन पिछले चरण के चुनाव में भी वो अपनी कई सभा को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन आज यानी कि 8 सभाओं को संबोधित करेंगे, आज और कल मिला के, यानी 2 दिन के दौरा है उनका, 2 दिवसीय दौरा, 3 और 4 तारीख को। और आज जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एयरपोर्ट के निकलने के बाद हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका अभिवादन किया, और अभिवादन के साथ शुरू हो गया हावड़ा में रोड शो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और रोड शो में एक भारी उत्साह उत्सव की तरह नजर आ रहा है। फूलों की बौछार, फूलों की बारिश हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर से, जो आसपास के जो सड़कें हैं, जो लोग हैं खड़े, वो सब कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री लगातार लोगों को अभिनंदन करते हुए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए काफ़ी उत्साह के साथ, और कार्यकर्ताओं में जो जोश देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि ये उत्साह, ये जोश किस ओर इशारा करता है। एक बार आपको फिर से बता दें, 6 तारीख के तीसरे चरण के चुनाव को लेकर 2 दिन पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार के लिए सभी पार्टियां जुट गई है, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं बंगाल, 2 दिवसीय दौरा, और इस दौरे में कई रोड शो करेंगे, लेकिन इस पहला रोड शो उनका शुरू हो गया है इस रोड शो के हावड़ा में, और इस रोड शो के साथ ही वो सभा को संबोधित करने जाएंगे। तो यहाँ पर रोड शो के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से कोलकाता के एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद, जहां आपको ये बता दें, गंगारामपुर हेलीपैड उलुबेरिया पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से होते हुए हावड़ा पहुंचे, और अब ये रोड शो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ उनका गंगारामपुर से कालीबाड़ी तक करीब 1.5 घंटे का ये रोड शो होगा, इसके बाद गंगारामपुर हेलीपैड उलुबेरिया पूर्वा विधानसभा से रवाना होकर गुलमोहर रेलवे ग्राउंड हावड़ा उत्तर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां का ये तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। रोड शो की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाइए। पश्चिम बंगाल में पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ
को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए भारी संख्या में यहाँ ये जो जनता आई है, तो यहाँ पर इसको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता में भारी उत्साह है। और हिंदुत्व को लेकर जब सीएम योगी आदित्यनाथ आगे चलते हैं तो भगवा ही भगवा नजर आता है, और वो भगवा इन तस्वीरों में तो फिलहाल साफ नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको न्यूज़ वन इंडिया के स्क्रीन पर, आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से रोड शो में जय श्री राम के नारे लगातार लग रहे हैं। सुबह के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। अलग है, कुछ नया है, आलू है, अचार है, आलू में अचार, अरे इसमें तो दोनों है यार, कमाल है। MDH का अचारी आलू मसाला, आलू में अचार का मजा, MDH अचारी आलू मसाला। तक दिख रहा है, और सबसे अहम बात यह कि इस रोड शो में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। योगी के, योगी आदित्यनाथ के कई जगहों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, उनके फोटो लेकर लोग हाथों में पहुंचे हैं, और एक भारी उत्साह के साथ मुख्यमंत्री का अभिवादन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी जनता का अभिवादन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, और पूरा जो इलाका है, पूरा माहौल भगवामय हो गया है। खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और आज जो कि पहले से ये तय था उनका रोड शो, और रोड शो में सबसे महत्वपूर्ण ये कि फूलों की बारिश भी हो रही है आसपास, जिस मोहल्ले जिस गलियों से योगी आदित्यनाथ निकल रहे हैं उनके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है, और ये भव्य नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीर है कुछ कहती है तीसरे चरण के चुनाव को लेकर। दो चरण हो चुका है, दो चरण में सबसे ज़्यादा अब तक के रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में, और जब भी वोटिंग की प्रतिशत बढ़ती है तो आप मान लीजिए कि कुछ ये जो वोटिंग है, जो मतदाता है, उनके मन में कुछ और चल रहा है, परिवर्तन की लहर फिर देखने को मिलती है। और ऐसे में बीजेपी की अगर बात कर ली जाए, बीजेपी ने जिस ताकत के साथ पश्चिम बंगाल में इस वक्त अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, और जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, ऐसे में बहुत सारी बातें आपको 2 मई को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिरकार जनता का मिजाज क्या है, पश्चिम बंगाल क्या चाहता है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो एक रोड शो का है, जो हावड़ा से ये तस्वीर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचे हैं, और सबसे पहला जो उनका कार्यक्रम है ये रोड शो से शुरू हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के प्रचार अभियान को लगातार गति प्रदान कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हावड़ा से, जहां आज एक के बाद एक कई सभाओं को संबोधित करेंगे, रोड शो में हिस्सा लेंगे, और 1.5 घंटे तक ये रोड शो चलेगा।
इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ हावड़ा में रोड शो कर रहे हैं, जो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और इसके बाद चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। यानी इस रोड शो के बाद, डेढ़ घंटे के रोड शो के बाद एक सभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही लखनऊ से कोलकाता पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद गंगारामपुर हेलीपैड उलूबेरिया पूर्वा विधानसभा क्षेत्र हावड़ा पहुंचे, और उसके बाद शुरू हुआ रोड शो। जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक भारी जनसैलाब जो इस रोड शो में शामिल हुआ है, और हर किसी के जहन में इस वक्त कुछ चल रहा है 6 तारीख को लेकर, कि आखिरकार 6 तारीख को क्या किया जाए। हालांकि दोनों पार्टियां पूरी ताकत के साथ, दोनों पार्टी आप नहीं कहते, कई पार्टियां, कांग्रेस लेफ्ट उनका गठबंधन अलग है और वो भी अपनी ताकत झोंकी हुई है, लेकिन अगर फोकस की बात कर ली जाए, सीधी टक्कर की बात की जाए, तो दो पार्टियों में इस वक्त लड़ाई देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में वो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो सत्ता पक्ष, यानी ममता बनर्जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी तो डेढ़ घंटा तक चलेगा ये रोड शो। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और लगभग घंटों से ये रोड शो की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर में देखिए, रोड शो को ऊपर से भी कैप्चर किया जा रहा है, यानी कि अपने अपने घरों से बाहर निकलकर जो माताएं हैं, और दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, अमित शाह भी आज पहुंचे हैं, क्योंकि तीसरे चरण के मतदान को लेकर, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पूरी ताकत झोंक दी गई है। 8 सभाएं तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की लगी हुई है। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी एक के बाद एक कई सभाएं करनी है, लेकिन दो रोड शो, अमित शाह भी रोड शो कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और दोनों जगहों पर भारी भीड़ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस भीड़ को संबोधित करेंगे अब से कुछ ही देर बाद। लेकिन इससे पहले परिवर्तन को लेकर जो यात्रा निकाली गई है, उसे रोड शो के जरिए पूरा किया जा रहा है। लेकिन चेन्नई में है, माफ़ करिएगा, पश्चिम बंगाल में नहीं है इस वक्त अमित शाह। अमित शाह चेन्नई में है, तमिलनाडु के चेन्नई से अमित शाह, यानी कि वो वहां पर रोड शो कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो कमान है, वो इस वक्त मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। दो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, चेन्नई में अमित शाह और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए, दोनों एक्सक्लूसिव तस्वीर, दोनों जगह रोड शो हो रहा है। लेकिन जहां तक हावड़ा की अगर बात की जाए, तो वहां से जो सबसे जो महत्वपूर्ण तस्वीर ये आ रही है कि लोगों में देखिए कितना उत्साह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, कि जब से ये रोड शो शुरू हुआ है, लगातार फूलों की बारिश हो रही है। हर कोई उनके अभिनंदन को स्वीकार कर रहा है और अभिनंदन भी कर रहा है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और इस नारे के बीच एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। चारों तरफ एक भक्तिमय वातावरण भी बन रहा है। हालांकि कार्यकर्ताओं में एक जोश है, उत्साह है चुनाव को लेकर। ये पॉलिटिकल रोड शो है, लेकिन इस पॉलिटिकल रोड शो में जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, उसमें कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो रहा है। तो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तमिलनाडु के चेन्नई से अमित शाह, जो इस वक्त वहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। और दोनों ही जगहों पर एक अद्भुत नज़ारा जो लगातार हम टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीर, दोनों जगह भारी भीड़ है, और पूरी ताकत के साथ बीजेपी मैदान में है। और मैदान की तस्वीर इस बार, खासकर पश्चिम बंगाल की तस्वीर इस बार कुछ अलग ही देखने को मिल रही है, क्योंकि ताकत तो अपनी अपनी सब झोंकते हैं, लेकिन जनता का जो उत्साह है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात कर ली जाए, तो ये उत्साह से आप खुद ही बता सकते हैं कि वहाँ पर जनता का मिजाज क्या कहता है, जनता क्या चाहती है। और बस डेढ़ घंटे के बाद एक सभा को संबोधित करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजेंगे, जैसे पिछले चुनाव में, यानी कि दूसरे चरण और पहले चरण के चुनाव में जब वो जनसभा को संबोधित करने के लिए गए थे, तो कई बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा था 24 घंटे के भीतर गौ हत्या को सबसे पहले बंद किया जाएगा। गौ हमारी माता है, और जो गौ
वध किया जाता है, गौ हत्या जो होती है उसे पूरी तरीके से बैन किया जाएगा पश्चिम बंगाल में सिर्फ 24 घंटे के भीतर। और जनता में, लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी उत्साह भी है। क्राइम को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें की है। उन्होंने कहा कि गरीबों की, मजलूमों की ये सरकार है, सरकार आएगी अगर आपने समर्थन दिया, अपने प्यार दिया, अपने आशीर्वाद दिया तो। और अब से कुछ ही देर बाद वो शब्द एक बार फिर से आपको सुनने को मिलेंगे उनके गरजने के, जो 8 सभाएं करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले रोड शो 1.5 घंटे तक चलेगा ये रोड शो, उसके बाद एक सभा को संबोधित करेंगे। और उसी तरीके से आप ये तस्वीर, यानी चेन्नई से भी पहली तस्वीर जो है वो अमित शाह की है, जहां पर अमित शाह भी बड़े भव्यता के साथ मुस्कुराते हुए लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, लोगों को अभिनंदन करते हुए और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ भी गठबंधन है, यानी बीजेपी गठबंधन में है और दोनों गठबंधन के जो नेता हैं वहाँ पर मौजूद हैं रोड शो में और भारी भीड़ के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पहले से ही, दोनों जगह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कि तमिलनाडु में हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में हैं, और दोनों जगह दोनों ने जो कमान संभाली है उस कमान में आप कह सकते हैं कि जनता दोनों जगह एक बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। तो तमिलनाडु के चेन्नई से अमित शाह लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पूरी तस्वीर देखिए चेन्नई की, वहाँ भी जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी सिर्फ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। लोगों को लगातार संबोधित कर किया जा रहा है, लोगों को उत्साह के साथ उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। चेन्नई से ये तस्वीर है। तो आपको बता दें कि चेन्नई में अमित शाह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, लेकिन चेन्नई में पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के बड़े बेटे एम अलागिरी से भी मुलाकात आज करेंगे, ये भी उनका कार्यक्रम है। इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज अमित शाह तमिलनाडु में 67,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो रोड शो कर रहे हैं इस वक्त अमित शाह, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे सीधे लाइव चेन्नई में ये रोड शो चल रहा है। अमित शाह ने सड़क पर कुछ देर पैदल भी चले, लेकिन इस वक्त वो एक गाड़ी में सवार हैं, उनके साथ और भी कार्यकर्ता हैं और भी नेता हैं साथ में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमित शाह इस वक्त चेन्नई में रोड शो कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज उनका सिर्फ रोड शो का कार्यक्रम है, वो किसी प्रकार की कोई सौगात नहीं देंगे। वो पहले ही दे चुके हैं, वहाँ चुनाव चल रहा है और चुनाव को लेकर वो सिर्फ चुनाव प्रचार करने गए हैं। आज मारा
तमिलनाडु के सभी विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को चुनाव होना है, जबकि मतों की गिनती 2 तारीख को ही होनी है। मात्र 2 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार को लेकर, और इसलिए पूरी ताकत के साथ इस वक्त देश के गृहमंत्री अमित शाह जुटे हुए हैं। और ये तस्वीर तो आपको बता दें, बीजेपी ने AIADMK के साथ गठबंधन किया है, और कांग्रेस की अगर बात कर लीजिए तो कांग्रेस ने DMK के साथ हाथ मिलाया हुआ है, यानी गठबंधन है। और आज का दिन बहुत ही अहम है, क्योंकि 6 अप्रैल को एक ही चरण में वहां पर चुनाव होने हैं, और इस वक्त चेन्नई में हैं अमित शाह। भारी भीड़, और इस भीड़ को लगातार अभिनंदन करते हुए वह दूसरी तस्वीर लगातार हम हावड़ा से दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हावड़ा में हैं इस वक्त और सभाओं को संबोधित करेंगे। लेकिन इससे पहले रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी जनसैलाब है, धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं काफ़ी उत्साह के साथ, जय श्री राम नारे के उद्घोष के साथ। दोनों ही जगह लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां तक अमित शाह की बात कर लीजिए, पहली तस्वीर जो आपको लगातार हम लाइव दिखा रहे हैं, वहां भी लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं, और जहां तक नज़र जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ लोग नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ की है, और योगी आदित्यनाथ भी धीरे धीरे अपना रोड शो, यानी आगे उनका जो काफिला है वो बढ़ रहा है। लोग उद्घोष के साथ, जय श्री राम के उद्घोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे कि पहले से तय है शेड्यूल, 1.5 घंटे तक ये रोड शो चलेगा, और फिर एक सभा को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये देखिए पहली जो तस्वीर है चेन्नई से, चेन्नई में भी इस वक्त हुजूम सा उमड़ पड़ा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक हुजूम उमड़ा हुआ है, लगातार वहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी वहां पर AIDMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 6 तारीख को वहां पर चुनाव होना है, 2 मई को मतगणना होनी है, लेकिन इस चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी गई है। तो बंगला में संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ के जो रोड शो है उसमें सीधे सीधे लोगों से कहा जा रहा है कि इस बार कमल पर बटन दबाइए और राम राज लाइए। तो 2 तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं चेन्नई की और हावड़ा की। चेन्नई में गृहमंत्री अमित शाह हैं जो रोड शो कर रहे हैं, और रोड शो में भारी भीड़ है, जिस पर अमित शाह सवार हैं, उसे रथ के रूप का रूप दिया गया है। उनके साथ और भी नेता हैं, गठबंधन के भी नेता हैं, और रथ बनाया गया है। तस्वीरों में आप देखिए रथ के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
लाखों की भीड़ नजर आ रही है चेन्नई में, चेन्नई की सड़कों पर, और एक उत्सव जैसे माहौल देखने को मिल रहा है। आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि बंगाल में 3रे चरण के चुनाव 6 तारीख को होने हैं और इस चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है, खासकर बीजेपी ने। वेस्ट और साउथ के मिशन पर है बीजेपी, और यही वजह है कि साउथ में अमित शाह तो वेस्ट में योगी आदित्यनाथ। और लगातार जय श्री राम के नारे का उद्घोष सुनने को मिल रहा है। और अमित शाह अब धीरे रथ से नीचे उतरते हुए, यानी कि रोड शो लगभग वहां पूरा हो गया है, अब सभा को संबोधित करेंगे। लाखों की तादाद में वहां भीड़ है। और दूसरी तस्वीर हावड़ा की है, और हावड़ा की तस्वीर आप देखिए, जगह जगह गेट बनाए गए हैं अभिनंदन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। পশ্চিমবঙ্গের বুকে, পূর্বের বুকে এই আবেগকে প্রতিষ্ঠিত করুন। ভারতীয় জনতা পার্টির ক্ষমতায় ভারতীয় জনতা পার্টির সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে আজ যোগী আদিত্যনাথজির আশীর্বাদ নিতে আমি और ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के हावड़ा से है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर भारी भीड़ है, और इस भीड़ की ओर से जो आवाज़ आ रही है उस आवाज़ को आप सुनिए, बस एक ही आवाज़, जय श्री राम। कहा जा रहा है कि जय श्री राम का उद्घोष के साथ ही प्रदेश में राम राज्य भी कायम होगा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों को अभिनंदन करते हुए धीरे धीरे आगे उनका काफिला बढ़ रहा है। 1.5 घंटे तक चलेगा ये रोड शो। बंगाल को हर हालत में फतह करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, और पूरी ताकत के साथ तस्वीर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर पहुँचे हैं योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में 1-2 नहीं बल्कि 8-8 सभाओं को संबोधित करेंगे। और फिर से हम आपको चेन्नई की तस्वीर दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विक्ट्री साइन दिखाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और इस नज़ारे को देखने के लिए हर कोई अपने अपने घर से बाहर निकलकर अपने अपने छतों से फूलों की बारिश करते हुए इस रोड शो का अभिनंदन करते हुए, मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए ये रोड शो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लोगों की भीड़ और लोगों का उत्साह बता रहा है कि आने वाले जो 6 तारीख का जो 3रे चरण का जो मतदान है वो किस दिशा में जाएगा। हालांकि कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि 2 मई को जब मतों की गिनती होगी तभी पता चलेगा कि आखिरकार बंगाल पर किसका राज होगा। लेकिन अपनी ताकत जो पूरी तरीके से लगा दी है बीजेपी ने, और तृणमूल कांग्रेस की जहाँ तक बात कर ली जाए तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी जी जान से मैदान में उतरी हुई है। और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं हावड़ा से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा है, और रोड शो के बाद सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ভারতীয় জনতা পার্টির ক্ষমতা,
श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो हावड़ा से ही आवाज आते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार रोड शो कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं।